फर्स्ट एलाइट मोशन को ओपन करके इस प्लस आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका वीडियो के हिसाब से फॉर्मेट को सिलेक्ट करना है। 9x16 इस फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर्मेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को ग्रीन रखना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके ग्रीन कर देना है। ग्रीन करने के बाद क्रिएट प्रोजेक्ट का ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपका वीडियो फुटेज को एड करना है। पहले इंस्टाग्राम में जाके कुछ इस तरह की स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेना है। स्क्रीन रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ पर एड करना है, ठीक है। यहाँ पर देख कर ट्रिम कर लेंगे कुछ इस तरह। ट्रिम करने के बाद थोड़ा छोटा साइज करना है यहाँ पर, इतना तक करने के बाद इस वीडियो को सिलेक्ट करके इफेक्ट्स का ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद एड इफेक्ट, उसके बाद यहाँ पर सर्च करना है फ्लिप लेयर, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद स्टैंडर्ड सेटिंग का ऊपर यहाँ पर क्लिक करने के बाद एंगल को रखना है, एंगल को 26 रखना है, ठीक है। इतना तो रखना है। उसके बाद एक्सिस को यहाँ पर 39 तो रखना है, ठीक है। इतना तो रखने के बाद आपका वीडियो का हिसाब से यहाँ पर इस वीडियो को भी ट्रिम करना है। 5 सेकंड तक तो कर लेता हूँ। आपका हिसाब से आप कर सकते हो जितना लंबा तवर आप रखना चाहते हैं। इतना करने के बाद इस वीडियो को सेव कर देना है यहाँ पर क्लिक करके। इस वीडियो को सेव करने के बाद VN आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका वीडियो को एड करना है। वीडियो को एड करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके अभी जिस वीडियो को सेव किया उस वीडियो को एड करना है। इस वीडियो को एड करने के बाद यहाँ पर क्रोमा में जाके क्रोमा की कर देना है कुछ इस तरह। इस राउंड वाला सर्कल को यहाँ पर ग्रीन कलर का ऊपर रखना है, ठीक है। यहाँ पर रखने के बाद ग्रीन कलर गायब हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पर इंटेंसिटी को एडजस्ट कर सकते हो कुछ प्रॉब्लम में। 100 कर लेता हूँ। स्पिल को भी यहाँ पर देख कर एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ग्रीन कलर को पूरा गायब करना है यहाँ पर। उसके बाद राइट का ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर रखना है कुछ इस तरह करके। आपका वीडियो का सबसे देख कर रखना है, ठीक है। यहाँ पर रखने के बाद इस वीडियो को सिलेक्ट करके ब्लेंडिंग का ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ओवरले कर देना है, ठीक है। यहाँ पर वीडियो हमारा कंप्लीट एडिट। आप भी ट्रिक को अप्लाई करके कुछ स्टेप का वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। अगर इस वीडियो के अंदर कुछ नया ट्रिक सीखने के लिए मिला तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिए। उसके बाद वीडियो को सेव कर देंगे यहाँ पर क्लिक करके।